بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. रबली सदरी वसरली अमरी वहलदतमिलसैानी यफा कौली प्यारे नाजरन इस सीरीज़ में हम आज भी आपका खैर मक़दम करते हैं व असलमकुम व वबरकत इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको उन गुनाहों की बाबत मालूमात फराहम कर रहे हैं जिन्हें है अल्लाह और उसके रसूल जनाब महमदरसूल सल्हु वसम गुनाह कबीरा करार देते हैं यानी वो गुनाह अगर किसी इंसान से सरजद हो जाएं कोई इंसान उन्हें कर बैठे तो जब तक वो अल्लाह से सच्ची तौबा न कर ले रो रो कर गिड़ गिड़ा कर अल्लाह से मुआफ़ी ना मांग ले अल्लाह उसका ये गुनाह माफ़ नहीं कर सकता उसे माफ़ी नहीं दी जा सकती उसी सिलसिले की एक और कड़ी हम लेकर हाज़िर हुए हैं और वो है तकदीर का इनकार करना तकदीर का इनकार बड़े गुनाहों में से एक है क्योंकि तकदीर ये ईमान का छठा रुकन है जैसा कि सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर आठ में मस्कूर है जिसके रावी हज़रत उमर बिन खत्ताब खत्ता है हजरत जबरी सलात एक दिन तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास बैठ कर आपसे कुछ सवालत करते हैं माहुल महसन मा, मा, मा अशरात और उसी में एक सवाल आपसे ये भी करते हैं ईमान अल्लाह के रसूल बताइए ईमान किसे कहते हैं ईमान क्या है अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं बिल्लही व व ही व रसूलि व रसुल आखिर व बिलकद्र शर्री अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं ईमान यह है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर अन तुमना बिल्ला व मला उसके फरिश्तों पर वकुतु ही उसकी किताबों पर व रसुली ही उसके रसूलों पर वलियोमिल आखिर और आखिरत के दिन पर व वंत मीना बिलकद्र ही व शर्री और ये कि तुम ईमान लाओ अच्छी और बुरी तकदीर पर तकदीर पर ईमान लाना ये ईमान के अरकान में से छठा रुकन है इस पर ईमान लाए बग़ैर किसी इंसान का ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता ومؤمن مكمل مؤمن هي نيهو سكتا جو تقدير کا انكار اس بات کا ذكر الله کے رسول لدوسري حديث جس امام ابن ماجاني سنن ابن ماجا باب في القدر مي ذكر حديث نمبر اكيس الله کے رسول صلى الله عليه وسلم فرماته لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر रवा नमाजा वक़ालबानी सादालबानी ने इस रवैत को सही करार दिया है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो चार चीज़ों पर ईमान और यकीन न ले आए सबसे पहली चीज़ है बिल्ला वहद शरीक अल्लाह पर जब तक कोई ईमान न ले आए कि वो अकेला है उसका कोई शरीक और साझी नहीं नंबर दो इस बात पर ईमान न ले आए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ नंबर तीन जब तक इस बात पर ईमान न ले आए कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है यानी आखरत के दिन पर नंबर चार जब तक इस बात पर ईमान न ले आए कि तकदीर हक है चाहे वो अच्छी हो या बुरी नाजरीन ने कराम तकदीर का इनकार ये गुना है कबीरा में से लेकिन इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों को कुछ शुबहत दरपेश होते हैं कि आखिर तकदीर किसे कहते हैं तकदीर का सही मफहूम क्या है नाजरीन कराम अल्लाह की बहुत सारी सिफात हैं उनमें से एक सिफ़त आलिम और अल्लाम भी है जिसका मतलब है कि अल्लाह रबालम ला इन तमाम चीज़ों का जानने वाला है जो हो चुकी या जो हो रही हैं या जो फ्यूचर और मुस्तकबिल में होने वाली है अल्लाह को इन तमाम चीज़ों का कामिल मुकम्मल इल्म है और अल्लाह की सिफत में कोई आय और कोई नक्स नहीं हर किस्म के आयब से अल्लाह की तमाम सिफात पाक है चुनाच अल्लाह ने अपने इसी सबक़ इलम की बुनियाद पर उसने इंसानों की तकदीर भी लिखी है लेकिन तकदीर का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि अल्लाह ने लिख दिया है और बंदा मजबूर है कि उसे करे नहीं ये गलत फहमी अजर ने कराम आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें बहुत सारे लोगों के जहन दिमाग में तकदीर की बाबत ये शुभ है कि हम क्या करें हम वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ लिख दिया गया है तकदीर में हमारा यही था आखिर हमें सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत क्या है तकदीर में तो सब कुछ लिखा हुआ है ये उस गलत शुभे की वजह से या तकदीर के बारे में गलत फहमी की वजह से लोग ऐसा कहते हैं मेरे दोस्तों तकदीर का मफहम यह है कि अल्लाह चूँकिब है आलिम बिज़ात सदूर है वह हमारे माजी यानी पास्ट की सारी बातें जानता था इसी तरह हमारे हाल के बारे में सब कुछ जानता है और फ्यूचर से भी वाकिफ है हम मुस्तबिल में क्या करने वाले हैं चुनाचे वो जानता है कि ये इंसान कब किस वक्त क्या करने वाला है इसलिए अपने इसम की बुनियाद पर उसने लिख दिया है तकदीर इसी का नाम तकदीर है चुनाचे जो कुछ अल्लाह ने लोह महफूज में लिख दिया है उसी का नाम तकदीर है लेकिन उसने लिख दिया है इस वजह से हम करने के लिए मजबूर हैं ऐसा नहीं बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह जानता है हम कब किस वक्त क्या करने वाले हैं चुनाचे वो काम और वो चीज़ उसने लिख दी है कि मेरा ये बंदा कब क्या करने वाला है इसलिए नहीं कि अल्लाह ने लिख दिया है और हम जबरदस्ती कर रहे हैं बल्कि इसलिए कि हम ये करने वाले हैं अल्लाह जानता है इसलिए उसने लिख दिया है तकदीर में तकदीर का ये मसला एक ऐसा मसला है जिसमें दो फिर गुमराह हो गए एक फिर का नाम है जबरिया और दूसरे का नाम है कदरिया ये मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन तकदीर के मामले में जब आए तो गुमराही इनके हिस्से में आई जबरिया उस फ़िरकों को कहा जाता है जिसका तकदीर के बारे में ये अकीदा है कि अल्लाह ने तकदीर लिख दी है और हम सब लोग मजबूर महज हैं इसलिए हम मजबूर हैं वो चीज़ करने के लिए हमारा कोई अपना विश नहीं कोई विल नहीं हमारा कोई इख्तियार नहीं हम मजबूर महज हैं अल्लाह ने लिख दिया इसलिए मैं करना ही करना है इसका नाम है जबरिया यानी हम मजबूर महज हैं हमें प्रेशराइज किया गया है लिख करके के ये गुमराह फिर है क्योंकि गुमराह अकीदा है इसलिए कि इस सिलसिले में जो मतदिल अकीदा है जो बीच का रास्ता है वो ये है कि अल्लाह अपने इल्म की बुनियाद पर वो जानता है कि मेरा ये बंदा कब क्या करने वाला है इसलिए जो हम करने जा रहे हैं इसको अल्लाह ने लिख दिया है कदरिया जो दूसरा फ़िर है इसको कदरिया इसलिए कहा जाता है कि ये तकदीर का मुनकिर है चुनाचे इस फिर ने तकदीर का सिरे से इनकार कर दिया कि तकदीर कोई चीज़ है नहीं हम इंसान बाख्तियार हैं हमारे पास चॉइस है इख्तियार है विश है हम जो चाहें करें हम आज़ाद हैं हम किसी के ताबे नहीं तकदीर कोई चीज़ नहीं होती इस फ़िरक़े का नाम कदरिया है ये दोनों फ़िरक़े गुमराह हैं मैं आपको एक छोटा सा वाक़ा सुनाता हूँ जिससे जिस आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर इस किस्म के लोग इस जहनीत के लोग साहब कराम के ज़माने में भी पाए जाते थे जो जबरिया और कदरिया टाइप के ख्याल के थे हजरत अमरबलखताब खलीफतुलमसलमीन हैं अमीरमुमिन है। एक चोर पकड़ कर आपके पास पहुँचाया जाता है और आप उसके हाथ को काटने का हुक्म शादिर फरमाते हैं लेकिन वो चोर बहुत ही लजाजत के साथ गिरारी करते हुए अमिन आखिर मेरी गलती क्या है मैंने क्या किया है यही तो ना कि मैंने चोरी की है अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा हुआ था इसलिए मैंने ये किया मेरी इसमें क्या गलती क्या खता है हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उसको जवाब दिया तुम ठीक कह रहे हो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा हाथ काटा जाएगा इसलिए मैं तुम्हारा हाथ काटने जा रहा हूँ मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ तो मेरे दोस्तों जो अदे जबरिया के हैं कि अल्लाह ने जो कुछ लिख दिया हम मजबूर हैं करने के लिए ये भी दुरुस्त नहीं इसी तरह क़दरिया का जो अकैदा है कि तकदीर कोई चीज़ नहीं होती ये सब ढकोसला है ये भी गलत अकैदा है अल्लाह हम सबको इससे बचाए बीच का रास्ता ये है कि हम तकदीर पर ईमान लाएँ तकदीर अच्छी भी होती है और बुरी भी और ये कि अल्लाह हमारे हर काम को जानता है हम कब क्या करने वाले हैं चलें उसने अपने इस इन की बुनियाद पर तकदीर में लिख दिया है तकदीर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहस और मुबासा करने से भी मना फरमाया है ठीक है किसी के जहन में कोई सवाल है खटक रहा है तो वो ऐसे जानकार इंसान से पूछे जो उसके बारे में सही जवाब दे सके लेकिन बैठ करके डिस्कशन करना बहस और मुबासा करना जो जेदाल की शक्ल इख्तियार कर ले ऐसे बहस और मुबासे से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है इसका जिक्र इमाम तिर्मिजी ने अपनी किताब सुरन तिर्मिजी में किया है जिसे अलामानी ने सही करार दिया है रिवायत के रावी हज़रत अबू हरे रजी अल्लाह तुआ वो कहते हैं कि एक बार हम लोग बैठ कर तकदीर के बारे में बहस व मुबासा कर रहे थे कि इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए आपने तकदीर के बारे में हमारे इस बहस व मुबास को सुना तो गजबनाक हो गए गुस्से की वजह से आपका चेहरा लाल हो गया और ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे आपके गालों पर अनार के दाने मल दिए गए हों फिर आपने लोगों से खिताब करके कहा लोगो क्या यही वो चीज़ है जिसे देकर मैं भेजा गया हूँ या तकदीर में बहसों मुसा का तुम्हें हुक्म दिया गया है देखो बहुत सारी उम्मतें इससे पहले हलाक हो गई पिछली उम्मतों के बहुत सारे लोग इस वजह से भी हलाक हो गए कि वो तकदीर के बारे में भेजा बहसों मुासा किया करते थे तुम हरगिज तकदीर के मौजू को लेकर बहसों मुबास में न पढ़ो आपने साहब कराम को ये सख्त अल्फाज सुनाए और उन्हें तकदीर के बारे में बहसों मुशे से मना किया इस वजह से कि तकदीर का मसला ऐसा नाजुक है हदीस सही में आया है कि शैतान इंसान को वसवसा दिलाता है और कहता है कि बंदे तुझको किसने पैदा किया अल्लाह ने पेड़ पौधों को किसने पैदा किया अल्लाह ने, ने। सारी दुनिया का पैदा करने वाला कौन है अल्लाह है तो अल्लाह को किसने पैदा किया और ये वसवसा लाकर इंसान को मुलहद बनाना चाहता है इंसान को उसके दीन से फेरना चाहता है तकदीर का मामला भी ऐसा ही नाजुक है इस मामले में बहस व मुबास पर मत जाओ वरना तुम्हारे जहनों दिमाग में इस किस्म के वसवसे आ सकते हैं और तुम इस नतीजे पर पहुंच सकते हो कि जबरिया ग्रूप से जाकर मिल जाओ अपने आप को मजबूर महज समझने लगो या कदरिया फिरके में से हो जाओ तुम तकदीर का इनकार कर बैठो तकदीर के बारे में बहस व मुबासा दुरुस्त नहीं है जो जदाल के अंदाज में हो और उसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम धर रहा हो बहस मुबासा कर रहा हो तकदीर के जो लोग मुनकर हैं जो लोग इस गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग जो तकदीर के मुनकिर हैं इयादत तक ना करो उनकी नमाज जनाजा तक में शरीक न हो सर नबी दाऊद किताब सुसन्ना हदीस नंबर चार हज़ार छः सौ इक्यावन में है नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रवायत सही अल्लावानी ने इसे सही करार दिया है अल्लाह के रसुल फरमाते हैं अलरिया तो मजूस वह कदरिया यानी तकदीर का इनकार करने वाले जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ वो इस उम्मत के मजूस हैं यानी जिस तरह आतिशप्रस्त लोग राय हक से भटके हुए हैं कदरिया का भी यही हाल है वह गुमराह हैं फर दूँ फला तू हूँ तो अगर वो बीमार हो जाए तो तुम उनकी बीमार पुरसी के लिए मत हाजिर हो व इन तू फ़लात शु हूँ और अगर वो मर जाए उनका इंतकाल हो जाए तो उनकी नमाज जनाजा में भी शरीक न हो नजरेन कराम आप जायजा लीजिए कि तकतीर का इनकार कितना बड़ा गुना है कितनी ऐसी अहादीस हैं जिसमें नबी अलैहि वसल्लम ने मरीजों की अयादत के लिए फजीलत बतलाई है जाओ यादत करने के लिए उसकी ये फजीलत है अगर तुम शाम में यादत करने के लिए जाते हो तो रात भर फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएँ करेंगे अगर तुम सुबह किसी की आयादत और बीमार कुर्सी के लिए जाते हो और बीमार के सर पर हाथ रखकर कहते हो तहूर तहर तहूर तहर इनशा तो दिन भर तुम्हारे लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो तकदीर के मुनकर हैं अल्लाह के रसूल ने अपने साहबा को हुक्म दिया अपने उम्मतियों को यह तालीम दी कि अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको देखने तक ना जाओ उनकी उनकीदत और तो बीमार कुर्सी के लिए मत हाजिर हो यही नहीं बात यहीं पर अल्लाह के रसूल ने ख़त्म नहीं की बल्कि ये भी कहा व इन मातों और अगर उनका इंतकाल भी हो जाता है वो मर जाते हैं फला तशद हूँ तो तुम मत हाज़िर हो उनके पास यानी नमाज जनाजा में उनकी नमाज जनाजा तक तुम ना पढ़ो कितनी शदीद वईद है ऐसे लोगों के बारे में जो तकदीर के मुनकर हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको तकदीर के बारे में सच्चा और पक्का ईमान रखने की तोफ़ी कदा फरमाए कि इसके बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता बड़े बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि आदमी खुदकुशी कर ले खुदकुशी करना भी बड़े बड़े गुनाहों में से है लेकिन आज एशिया के अंदर ख़ास तौर पर पाक में खुदकुशी की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है दिन दिन-ब-दिन ये शरह बढ़ रही है आए दिन अखबार को देखिए तो मुख्तलिफसा सिर्फ़ इस वजह से हो रहे हैं कि लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं हालाँकि ये गुनाह है, कबीरा है जिसको अल्लाह बग़ैर तोबा के माफ नहीं कर सकता लेकिन इसके इसब क्या हैं लोग खुदकुशी क्यों करते हैं इसके बहुत सारे इसबा हो सकते हैं लेकिन सबसे अहम सबब जो मेरे इन के मुताबिक है वो ये कि तकदीर पर ईमान का ना होना जिसे मैंने अभी बयान किया जब तकदीर पर आदमी का ईमान होता है तो उसे तसल्ली होती है आदमी जिस हद तक भी पहुंच जाए जैसी भी कुछ उसके साथ फ़कीरी और मिसकी लगी हुई हो वो वह ख़िलास के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा हो लेकिन अगर तकदीर पर उसका ईमान है तो उसे तसल्ली होती है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है वो हमारा रोज़ी रसा है देगा हमें रोज़ी कम ही सही लेकिन है तो वो रसाक हमें वो यूँ ही नहीं छोड़ सकता शर्त है कि हम मेहनत करें मेहनत व काविश इसके लिए शर्त है बहुत सारे लोग इस वजह से भी खुदकुशी करते हैं कि तकदीर पर उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता यकीन कामिल उन्हें नहीं होता है अभी कुछ एक महीना पहले की बात है कि अमेरिका यूरोप में जब करंसियों का रेट डाउन हुआ तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे सरकारी इदारों ने अपने बहुत सारे मुलाजमान की छुट्टी कर दी क्यों इसलिए कि उनको जिस क़दर खसारा हुआ घाटा हुआ कि वो अपने मुलाजमी की तनख्वाहें देने के काबिल न रहे ऐसा ही एक वाकया यूरोप के हॉस्पिटल में पेश आया कि हॉस्पिटल के मुलाजमीन में से बहुत सारों को छुट्टी दे दी गई उनमें से एक डॉक्टर जिसको रुख्सत दी गई वो अपने घर पर आता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ खुदकुशी कर लेता है था वो डॉक्टर उसके पास ये एबिलिटी थी कि अपनी क्लिनिक भी शुरू करके वो रोजी हासिल कर सकता था कमा सकता था लेकिन उसने अपने उस ठाट बाट को ज़ाय होते हुए देखा जिसको मेंटेन करना चाहता था और जब उसे एहसास हुआ कि अब मैं मुलाजमत से हाथ धोने के बाद अपना ये कायम नहीं रख सकता हूँ तो इससे अच्छा है कि मर जाऊँ खुदकुशी कर ली और सिर्फ खुद नहीं अपने चार बेटियों और एक बीवी के साथ पूरा का पूरा खानदान ख़ुदकुशी के भेंट चढ़ गया क्यों अच्छे ख़ासे डॉक्टर्स थे उनके पास अच्छी खासी रकम रही होगी बैंकों में बैंक बैलेंस रहा होगा उनका लेकिन तकदीर पर ईमान नहीं इसी तरह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का जब रिज़ल्ट आउट होता है तो बहुत सारे वो तलबा जो अपने नतीजे के इंतज़ार में होते हैं और उनके अपने वाहम गुमान के मुताबिक उनका रिजल्ट नहीं आता तो वो खुदकुशी का हरबा अपनाते हैं और ऐसे मौसम में जब रिज़ल्ट आउट हो रहा हो खुदकुशी के बहुत सारे वाकयात आपको पढ़ने को मिलते हैं अखबार पर आपकी नज़र पड़ती है तो खुदकुशी के वाकयात से वो सफ़ाद भरे पड़े होते हैं क्यों इसलिए कि लोगों का अल्लाह पर यकीन मुकम्मल नहीं तकदीर पर उनका ईमान नहीं इसी तरह खुदकुशी का एक अहम सबब ये भी है कि लोगों में तोकुल नहीं अल्लाह पर कामिल और भरोसा नहीं होता उनको अपने ज़ाहरी वसाइल असबाब और सोर्सेस पर भरोसा होता है हमें हमारी डिग्रियाँ हमारे सर्टिफिकेट्स ये अच्छी जॉब दिलाएंगे। लेकिन अगर वो फ़ेल हो गए तो गया उनकी ज़िंदगी खसारे में और अल्लाह पर तवक्कुल नहीं नतीजतन ख़ुदकुशी के भेड़ चढ़ जाते हैं अपने आप को हलाक कर देते हैं एक शायर ने इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में पेश किया है काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है तो बेतेघ ही लड़ता है सिपाही ये मोमिन की पहचान है कि जैसे भी कुछ हालात तो उसके ऊपर आ जाएं जैसे भी गुरबत उसको मैसर हो वो अल्लाह का शुक्रगुजार होता है क्योंकि अल्लाह के तकदीर पर उसका ईमान होता है और अल्लाह पर उसका भरोसा मुकम्मल होता है और जो तकदीर और अल्लाह पर भरोसे के दामन को छोड़ दे वो कुछ भी कर सकता है और ख़ुदकुशी उसके लिए आसान काम है तो मेरे दोस्तों तकदीर पर ईमान लाना ये बहुत अहम है इससे खुदकुशी के वाकयात भी कम हो सकते हैं खुदकुशी ये जहन में ले जाने का सबब है जिसका तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया है चुनाचे एक हदीस जिसे माम मुस्लिम ने सही मुस्लिम किताबल ईमान में नक़ल किया है जिसके रामी हजरत अबू हुर रजाल तुम है वो कहते हैं कि हम लोग ग़ब हुनैन में थे अल्लाह के रसूल सल्लाम ने एक शख्स जिसका नाम अबू आमिर था और जो हकीकतन मुनाफिक था लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहता था मुसलमान होने का दावा करता था अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में कहा कि जहन्नमी लेकिन साहब कराम ने देखा तो बहुत ही जवा मर्दी के साथ बड़ी ही पाम मर्दी के साथ वो लोगों से जहाद कर रहा है काफिरों की सफ़े की सफ़े उल्टे दे रहा है अल्लाह के रसूल के पास कुछ लोग आए और कहा अल्लाह के रसूल ये इंसान जिसकी बाबत आपने कहा था जहन्नमी है हमने तो उसको बड़े ही दिलेराना अंदाज में जहद करते हुए देखा बड़ी ही मेहनत की है बड़ी काबिश की है इसने सफ़े के सफ़े उलट दी है अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो जहन्नमी है लोगों ने कहा वो शहीद हो गया अल्लाह के रसूल एक सहाबी ने गवाही दी कि अल्लाह के रसूल नहीं वो आदमी अभी जिंदा है और मैं जानता हूँ चलो बताता हूँ चुनाचे साहब इकराम उसके पास गए देखते हैं कि वो जिंदा है लेकिन जख्मों से चूर हो चुका है ज़ख्मों की ताब न लाकर कर वखिर में करता यह है कि अपने नेज़े को ज़मीन पर गाड़ता है और अपने सीने को उसी नेज़े पर रख कर दबा देता है खुदकुशी कर लेता है और मर जाता है लोग आकर खबर देते हैं अल्लाह के रसूल उतने उसने खुदकुशी कर ली और मौत के घाट उतर गया सब्र न कर सका क्योंकि ज़ख्म बहुत लग गए थे अल्लाह के रसूल गवाही देते हैं कहते हैं अशहदु अशहद वनी अब्दुल्ल रसूलु मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ दोस्तों खुदकुशी ये जहन्नम में ले जाने का सबब है और जो शख्स जिस चीज़ से खुदकुशी करेगा जहन्नम में उसको उसी चीज़ का आज़ाद दिया जाता रहेगा चुनाचे एक हदीस जो मैं आखिर में आपको सुनाकर ये तकरीर अपने खत्म करूँगा सही बुखारी किताब तिब में है जिसके रब हज़रत अब हर रज्लू है वो फरमाते हैं कि अल्लाह के, के रसूल सल्हम ने फरमाया जो शख्स अपने आप को पहाड़ पर से गिरा कर खुदकुशी कर लेगा हिला कर डालेगा वो जहन्नम में दाखिल होगा और उसे जहन्नम में यही सजा उसको बराबर मिलती रहेगी कि वो अपने आप को ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराएगा और हिला करता रहेगा दूसरी हदीस में भी है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स जिस चीज से भी खुदकुशी करेगा उसी चीज से उसको जहन्नम में सजा दी जाएगी और वो सजा उसको मिलती रहेगी अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर उसने लोहे के हथियार यानी औजार से खुदकुशी की है तो वो उसी औज़ार से अपने आप को जहन्नम में मारता रहेगा नाजरीन कराम शायद ये मौजू आपके लिए वाज हो गया हो कि खुदकुशी गुनाह कबीरा है अल्लाह हम सबको इस बुरे और बड़े गुनाह से बचाए इसी पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए व आखरदावाना अनहमद रबालमीन वसलम आलकम वल्ल वक्